सही वीडियो पर आ गए हो अगर आपको स्किन लाइट के बारे में पूरे डिटेल्स चाहिए एक पर्सनल रिव्यू चाहिए तो आप इस वीडियो को देखना मुझे पता है आप अगर आए हो तो ज़रूर आपको स्किन लाइट के बारे में ही जानना है थंबनेल देख के आए हो तो इसलिए मैं आज आपको इस वीडियो में फुल डिटेल्स दूंगी जो कि मेरा खुद का पर्सनल रिव्यू होगा तो गाइज स्किन लाइट के बारे में आज मैं बताऊंगी इसे कैसे यूज़ करना चाहिए इस किस काम में ज़्यादा यूज़ किया जाता है एंड इसका क्या क्या काम है एंड इसका साइड इफ़ेक्ट्स है या नहीं ये सारी चीज़ें आज मैं इस वीडियो में कवर करने वाली हूँ तो गाइज सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि मैंने ये परचेज़ किया है स्किन लाइट क्रीम आप देख सकते हो उसके पैकेजिंग कुछ इस तरह आता है एंड गाइज़ uh, इसका ग्राम है फिफ्टीन ग्राम का ये आता है एंड इसका uh, प्राइस अगर हम जानेंगे लास्ट में पहले मैं इसका आपको uh, काम बताती हूँ कि ये इसका साइड इफ़ेक्ट है या नहीं या फिर ये किस तरह यूज़ किया जाता है सारा चीज़ मैं आज आपको बताने वाली हूँ तो गाइज़ मैं इसके अगर बताऊँ तो ये मलाजमा uh, में यूज़ किया जाता है ये क्रीम डार्क स्पॉट के ऊपर यूज़ किया जाता है बट अभी काफ़ी लोग इसे स्किन वाइटनिंग के रूप में यूज़ कर रहे हैं अपनी स्किन को फेयर करने के लिए यूज़ कर रहे हैं जो कि बिल्कुल गलत है क्या इस आपको अगर स्किन में प्रॉब्लम है अगर डार्क स्पॉट है अगर स्किन में आपको दाग धब्बे हैं तो आप इसको यूज़ कर सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है कुछ रूल्स है इसे यूज़ करने का कुछ प्रिस्क्रिप्शन है इसे यूज़ करने का उसे अगर आप फॉलो करते हो तो बिल्कुल साइड इफेक्ट नहीं होगा अगर आप नहीं करोगे तो साइड इफेक्ट होगी एंड बहुत ज़्यादा होगा सो गाइज स्किन लाइट अगर आप लगा रहे हो तो आपको इसे हमेशा हमेशा रात को ही यूज़ करना चाहिए दिन को बिल्कुल भी यूज़ मत कीजिएगा एंड गाइज अगर अगर स्किन लाइट आपको लगाना है तो आप उसको पहले जब भी लगाते हो तो मॉइस्चराइजर जरूर लगाया लगा लिया करो मॉइस्चराइजर uh, अगर सबसे बेस्ट बोलूँ तो मैं अगर आपके पास बोर्ड है तो वो उसे पहले आप लगा लीजिए मैं इसी तरह इसे यूज कर रही थी आ, मैंने इसे रिव्यू देने के लिए परचेस किया है स्पेशली तो गाइज़ अगर आपको इसे यूज़ करना है तो आप पहले मॉइस्चराइज़ कीजिए देन आप इसे यूज़ कीजिए इससे क्योंकि पीलिंग होती है थोड़ा बहुत तो गाइज़ वो आपको थोड़ा आराम लगेगा ठीक है एंड गाइज़ अगर आप इसे यूज़ करते हो तो अगर आप सुबह अगर धूप में जाते हो कहीं भी बाहर तो सनस्क्रीन लगाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा सनस्क्रीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड एंडगाइज़ अगर आप इस क्रीम को लगाते हो तो इसके ऊपर कोई भी दूसरा क्रीम मत लगाइएगा इससे आपको साइड इफेक्ट होगी एंड एंडगाइज़ अगर आप इसे यूज़ कर रहे हो तो अपने स्किन प्रॉब्लम है तभी यूज़ करना बिना स्किन प्रॉब्लम के यूज़ मत करना अगर आप ये अपनी स्किन को फेयर करने के लिए यूज़ कर रहे हो तो बिल्कुल भी मत करना अगर आपकी स्किन में प्रॉब्लम है तब आप इसे यूज़ कर सकते हो एंड आपको जैसे कि मैंने बताया यूज़ करने के बाद आपको क्या क्या करना है अरवाइज़ अगर आप उसके यूज़ करते हो तो अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर लिया करें अपने हैंड्स को अच्छे से क्लीन कर लिया करें और छोटा सा अमाउंट में लेके पूरे पूरे चेहरे में डॉट 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 करके आप इसे इस्तेमाल कीजिए अपने स्किन पे एंड इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा अगर आप इसे गलत तरीके से यूज़ करेग तो आपको साइड इफेक्ट होगी सो so गाइस मेरा पर्सनल इसका पर्सनल मेरा रिव्यू है ये कि आपको ये साइड इफेक्ट तभी देता है कि आप इसे गलत तरीक़े से यूज़ करोगे तभी ये आपको साइड इफ़ेक्ट देगा अगर आप इसे गलत तरीक़े से यूज़ नहीं करोगे तो बिल्कुल ये साइड इफेक्ट नहीं देने वाला है तो गाइज़ अब मैं आपको इसका थोड़ा सा अंदर से पैकेजिंग दिखा देती हूँ मैं फिफ्टीन ग्राम का परचेज कर की हूँ एंड देखिए इसका ये ट्यूब में आया है इसमें सारा प्रिस्क्रिप्शन दिया हुआ है एंड गई इसे ज़्यादा दिन यूज़ नहीं करना चाहिए अगर आपकी स्किन प्रॉब्लम है तो ऑलमोस्ट ये वन मंथ में आपका स्किन सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं स्किन के तो आप इसे वन मंथ यूज़ कीजिए ज़्यादा देर तक इसे यूज नहीं करना है एंड आप जैसे सनस्क्रीन लगाते हो इसी तरह आपको सनस्क्रीन ज़रूर यूज़ करना है अपने स्किन पे एंड मॉइस्चराइज करते रहना है तो गैस यही था मेरा पर्सनल रिव्यू एंड मैंने इसे आ, बहुत पहले यूज़ किया था बट मुझे लगा कि मैं इसका रिव्यू दूँ इसलिए मैंने इसे परचेज़ किया है तो गैस आप इसे आराम से यूज़ कीजिए बट मैंने जैसे कहा है वैसा ही अगर आपको स्किन में कोई भी और भी बीमारी है तो आप प्लीज़ डॉक्टर से सजेशन ज़रूर लेना तब आप इसे यूज़ करना एंड गाइज चलिए अब मैं उसका प्राइस बता देती हूँ गाइज़ इसका प्राइस है वन सिक्सटी थ्री रुपीज़ मुझे ये पड़ा तो ये फिफ्टीन ग्राम का वन सिक्सटी थ्री रुपीज़ का है एंड इसका क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है थोड़ा सा मैं ही पूरे स्किन पे ये लग जाता है तो गाइज़ अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिएगा मेरे चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते रहिए अगर आपको और भी कोई क्रीम का रिव्यू चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो बाय बाय